हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होराइजन इंटरनेशनल एकेडमी ड्राइंग क्लास। मैं हूं आपका आर्ट इंस्ट्रक्टर सागर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ड्राइंग क्लास। आज हम स्प्लैशेस आर्ट एंड ड्राइंग बुक नंबर 5 में ड्राइंग बनाएंगे। बुक में आपको पेज नंबर 9 ओपन करना है और यहां पे आपको एलिफेंट की ड्राइंग बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे कैसे बनाना है। किसी भी ड्राइंग को बनाने से पहले उसका रफ स्ट्रक्चर बना लेना ज़रूरी होता है। बहुत ही लाइट आपको रफ स्ट्रक्चर बनाना है। अगर ये गलत हो गया तो आप इसे इरेज भी कर सकते हो। जो प्रोपोर्शंस होते हैं वो आपको करेक्ट पकड़ने हैं। ट्रंक कितनी बड़ी है, ईयर्स कितने बड़े हैं, ये आपको देखना है। स्पेसिंग जो होती है ना वो आपको कर लेनी है रफ में। डायरेक्टली आपको फाइनल लाइन डार्क नहीं करनी है। यहाँ पे जो बॉडी है वो छोटी दिखाई गई है क्योंकि ये कार्टूनिश ड्राइंग है, रियलिस्टिक नहीं है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाने के बाद ही हमें इसे फाइनल आउटलाइन करनी है। तो देखते हैं आउटलाइन कैसे बनानी है। आउटलाइन बनाते वक्त आपने जो लाइंस की प्रैक्टिस की हुई है उसका यहाँ पे आपको यूज होगा। सर्कल का यूज होगा, केयरफुली देख के आपको ये बनाना है। इस तरह से ड्राइंग को आपको फाइनलाइज कर लेना है। अब हम इसे ब्लैक स्केच पेन से बॉर्डर करेंगे। तो इस प्रकार से आपको बॉर्डर बना लेनी है। अब हम कलरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इलेफेंट के ईयर्स के अंदर यहाँ पे और इस जगह पे
ट्रंक के पिछले हिस्से पे पिंक कलर कर लेंगे। ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब हमें बॉडी में ग्रे कलर से शेडिंग कर लेनी है। मीडियम शेडिंग करेंगे हम बॉडी पे। तो इस प्रकार मैंने ग्रे कलर से ये मिडल टोन यहाँ पे फिलअप कर लिया है। अब आईज़ में मैं यहाँ पे ब्लैक करूँगा, यहाँ पे थोड़ा वाइट हमें छोड़ना है। इस प्रकार यहाँ पे भी मैं ब्लैक कर लूँगा। आईज़ में नेक्स्ट सर्कल में आपको डार्क ग्रे करना है। इस प्रकार आपको ये करना है। अब स्टार्ट करेंगे हम शेडिंग करना। ईयर्स में हम रेड से शेडिंग करेंगे पिंक के ऊपर। स्मूथली करनी है आपको शेडिंग। शेडिंग वहीं पे होती है जहाँ पे शेडो आ जाती है। अभी ये फेस जो है वो आगे है, इसलिए ईयर पे जो शेडो आ रही है इसे हमें दिखाना है। कहीं पे भी आप शेडिंग नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि ये पार्ट जो है वो लाइट में है। जो पार्ट डार्क में होता है वहीं पे आपको शेडिंग करनी है। शेडिंग से एक राउंडलिटी आती है आपके ड्राइंग में। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे किया है। सी वैसे ही आपको करना है। ईयर का जो शेप है वो हम शेडिंग से बनाएंगे। कलर्स की जो मिक्सिंग है वो अच्छे से दिखनी चाहिए, स्मूथ दिखनी चाहिए। इस प्रकार हमारी ईयर की जो शेडिंग है वो हो जाएगी। अब हम करेंगे बॉडी पे शेडिंग। हमें लाइट ब्लू कलर यूज़ करना है। आपको एकदम कॉर्नर पे स्टार्ट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे जो पार्ट होता है वो होता है रिफ्लेक्शन का पार्ट, वो हमें छोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पे भी मैंने छोड़ दिया है और आपके बुक में भी आप देख सकते हो कि वहाँ पे भी वो छोड़ा गया है। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हर जगह पे आपको जहाँ जहाँ पे बुक पे दिख रहा है आपको ये कर लेना है। इस प्रकार लाइट ब्लू से हमें ये शेडिंग करनी है। अब हमें थोड़ा डार्क टोन इसमें बढ़ाना है। इसके लिए हम वॉयलेट कलर का यूज़ करेंगे। जहाँ जहाँ पे भी डार्क की ज़रूरत है वहाँ पे हम डार्क करेंगे। अच्छे से दोनों कलर मिक्स होने चाहिए। अभी यहाँ पे तीन कलर मिक्स हो रहे हैं। एक तो बेस में जो कलर है वो ग्रे है, उसके बाद लाइट ब्लू और अभी वॉयलेट कलर। तो ये तीनों कलर जब तक अच्छे से मिक्स नहीं होते तब तक वो अच्छा इफेक्ट नहीं लाएंगे आपके ड्राइंग में। बहुत ही स्मूथली आपको पेंसिल को मर्ज करना है। तो इस प्रकार ये ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा। आपको आईज़ में और नेल्स में कलर नहीं करना है। आई होप आपको ये ड्राइंग बनाने में मज़ा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।